आईपीएल 2024 के 50 मुकाबले हो चुके हैं और अब बारी है 91 मुकाबले की, जो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में खेला जाएगा। कई दिनों के बाद मुंबई की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलने उतरेगी। एमआई की टीम ने यहां पर अपना आखिरी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस सीजन मुंबई हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई है और 10 मैचों में से केवल 3 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई है और पॉइंट्स टेबल पे नीचे से दूसरे स्थान पर चल रही है। तो वहीं केकेआर की टीम ने इस सीजन अभी तक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और टीम ने 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ऐसे में 3 मई को खेले जाने वाले एमआई वर्सेस केकेआर मैच काफी मजेदार होने वाला है। तो आइए उससे पहले वानखेड़े की पिच और वहां के मौसम के बारे में जान लेते हैं। क्या मौसम एक बार फिर से मुकाबले में कोई अड़चन तो नहीं डालने वाला, तो आइए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और कोलकाता के बीच होने वाले मैच के दिन मौसम एकदम साफ रहने वाला है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गुरुवार के दिन यहां का तापमान 36 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि शाम के समय तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। मैच के समय बारिश के कोई आसार नहीं है, ऐसे में फैंस को पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिलेगा। अब पिच रिपोर्ट की बात करें तो मुंबई और कोलकाता के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैच में एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजों की मौज हो जाती है। वानखेड़े स्टेडियम में ओस भी एक बड़ा फैक्टर होता है और इसीलिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना यहां पर आसान होता है और जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी। वानखेड़े स्टेडियम के अगर स्टैट्स की बात करें तो इस मैदान पर अब तक कुल 113 आईपीएल मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेज करने वाली टीम ने 61 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 52 मुकाबलों में जीत हासिल की है। वहीं यहां पहली पारी का औसत स्कोर 172 रन है। वहीं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीम्स के बीच 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 मुकाबले मुंबई की टीम ने जीते हैं, जबकि केकेआर की टीम केवल एक मुकाबला वानखेड़े के स्टेडियम पे जीत पाई है। वहीं ओवरऑल रिकॉर्ड में भी मुंबई की टीम आगे दिखाई देती है। अब तक आईपीएल में कुल 32 बार मुंबई और कोलकाता की टीम सामने सामने हुई है, जिसमें से 23 बार मुंबई की टीम ने जीत हासिल करी है, तो केकेआर केवल 9 मुकाबले जीत सकी है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए इस सीजन 2024 में तो मुंबई की टीम काफी शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है, वहीं केकेआर की टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पर चल रही है केकेआर की टीम। जीत के साथ वो 14 अंक लेकर प्लेऑफ की तरफ आगे बढ़ना चाहेगी, जबकि मुंबई की टीम चाहेगी कि आखिरी 4 मुकाबलों में वो जीत कर कुछ पॉइंट्स टेबल में उलटफेर करे। तो देखना होगा इस मुकाबले में कौन जीत हासिल करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।